अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अगर आप लोग ऑटो न्यूज़ बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं तो आप लोगों को इस बात का पता चल गया होगा कि पाकिस्तान ने अपनी सबसे पहली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक एसयूवी को लॉन्च किया है, जो कि पहली बार पाकिस्तान में असेंबल हो रही है और उसको असेंबल कर रहे हैं साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स। साजगार जो है किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। साजगार आप सब लोगों को पता है कि सबसे बड़ा जो है रिक्शा के मैन्युफैक्चरर है, और उसी की अब जो उसने एक चाइनीज़ जो है ग्रेट वॉल जो मोटर कंपनी है उसके साथ उसने क्या कहते हैं कोलैबोरेशन के बाद हवाल को पाकिस्तान में लाया। पहले उसने अपना उसके नॉर्मल जो है वो एसयूवी वर्जन निकाला, लेकिन अब साजगार ने उसी गाड़ी का हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वर्जन निकाला है जो कि पाकिस्तान की सबसे पहली लोकली असेंबल्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक एसयूवी है। ये तो आप लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान में कुछ साल एक या दो साल पहले ही वो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का जो है वो उसको पूरा फॉर्मुलेट किया गया था और उसको हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बल्कि और जो टोटली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके लिए इंट्रोड्यूस कराया गया था। तो अब उसी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत ही हवाल एसयूवी भी यहाँ पर पाकिस्तान में बन रही है। अच्छा, इसके जो मेन फीचर्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले इसका ये मैं बताता हूँ कि ये जो है 5 सीटर गाड़ी है जो कि 1.5 लीटर इंजन पे बेस करती है, 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन पे बेस करती है। अच्छा, इसका जो 240 हॉर्स पावर ये प्रोड्यूस करती है और इसका 530 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। ये सा मतलब बहुत पावरफुल गाड़ी है। इसके अंदर ऑटोमेटिक जो है वो ट्रांसमिशन है जो कि 2-speed डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन पे बेस करती है। इसके साथ साथ इसका जो अगर हम 0-100 लगाएं तो 0-100 सिर्फ 7.5 सेकंड्स में जा सकती है जो कि बहुत ही पावरफुल है। इसलिए इसके अंदर बड़े ब्रेक्स भी इंस्टॉल किए गए हैं ताकि जितनी पावरफुल गाड़ी उसको ज़्यादा पावरफुल ब्रेक्स चाहिए होते हैं। अगर फ्यूल एफिशिएंसी की बात करूँ तो ये 18 किलोमीटर्स दे सकती है 1 लीटर में, और वो भी सिटी ट्रैफिक में। तो यानी कि अगर आप एक किसी छोटी पुरानी गाड़ी की बात करें तो वो भी इतना एवरेज नहीं देती, लेकिन ये बहुत अच्छा एवरेज है अगर आप किसी एसयूवी क्लास की गाड़ी में बात करते हैं। कोई ये एसयूवी ये क्या कहते हैं सी सेगमेंट की गाड़ी है, सी प्लस सेगमेंट की गाड़ी है क्रॉसओवर में, जो क्रॉसओवर एसयूवी कहलाती है। और ये एमजी टोयोटा RAV4 और होंडा CRV इस सारी गाड़ियों को टक्कर दे सकती है। अच्छा, मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ कि इसके अंदर और भी एडवांस फीचर्स हैं, जैसे कि इसके अंदर 6 एयरबैग्स आते हैं, 360 कैमरा है जो कि आपको विद क्या कहते हैं कोलिजन कंट्रोल वार्निंग आता है वो प्रॉपर सिस्टम है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आता है इसके अंदर, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, वायरलेस चार्जिंग है इसमें अवेलेबल, और इंफोटेनमेंट के लिए आपके पास एप्पल कार प्ले है या एंड्रॉयड कॉन्फ़िगरेशन होगी, साथ में कीलेस एंट्री है और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स है, इसमें मल्टीपल ड्राइव मोड्स हैं जो कि मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ, वेंटिलेटेड सीट्स हैं, और अच्छा खासा अगर मैं इसका उसका रूफ स्पेस की बात करूं तो भी अच्छा खासा आपका हेड रूम है इसके अंदर अवेलेबल। और अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ये कोई इतनी कोई सस्ती गाड़ी नहीं है। अगर आप लोग समझ रहे हैं कि लोकली असेंबल्ड एसयूवी यहां पर बहुत सस्ती है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी दूसरों की टक्कर में ही प्राइस है इसकी। इसकी जो बेस वेरियंट जाहिर बात है क्योंकि हाइब्रिड है तो इसका बेस वेरियंट की प्राइस ही वो स्टार्टिंग प्राइस है अराउंड 97 लैक्स, तो यानी कि 1 करोड़ तक ये पहुँच जाती है। तो ये अफोर्डेबल तो मैं नहीं कहूँगा, बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन आजकल ये जो प्राइस ट्रेंड चल रहा है ऑटोमोटिव मार्केट में जो प्राइस ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से ये थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लगी है। थोड़ा सा कम इसको प्राइस रेंज में होना चाहिए था ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सकती और इसकी रीच बढ़ सकती, लेकिन वही बात है कि वो सारी कॉस्ट वॉस्ट मिला के इन्होंने जो है प्राइस जो है ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर रखी है। लेकिन फिर भी ये पहली पाकिस्तान की मेड इन पाकिस्तान एसयूवी है, तो ये एक अचीवमेंट है पाकिस्तान ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए। इसका 17 नवंबर को लॉन्च हुआ था और इसका लॉन्च बहुत ही शानदार तरीके से किया गया था, जो कि क्या कहते हैं काफ़ी यूट्यूबर्स ने भी कवर किया, पार्क व्हील्स ने भी कवर किया, और साथ में जो फेमस टीवी सेलिब्रिटीज़ हैं वो इसके लॉन्च पे होस्ट कर रहे थे। यानी साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स ने वाकई कर दिखाया, हम साजगार को सिर्फ रिक्शों तक समझते थे लेकिन साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स जो है वो अभी बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जो है वो इलेक्ट्रिक रिक्शा भी इंट्रोड्यूस करवाया था जो कि आप की मैंने वीडियो कवर की, वो वीडियो आपको ऊपर लिंक भी आ जाएगा, मैं लास्ट में एंड में शेयर भी कर दूंगा उसका लिंक। तो ये हमारा छोटी सी अपडेट थी रिगार्डिंग न्यू जो एसयूवी आई है, हाइब्रिड एसयूवी आई है जिसकी माइलेज बहुत अच्छी है और हाइब्रिड है। तो अगर आपके पास 1 करोड़ का बजट है तो उसमें ये हाइब्रिड आपको एसयूवी मिल जाएगी, मेड इन पाकिस्तान हाइब्रिड असेंबल की मेड इन असेंबल्ड इन पाकिस्तान हाइब्रिड एसयूवी मिल जाएगी और एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। उम्मीद है आपको हमारी आज की अपडेट पसंद आएगी। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और भी जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की अपडेट्स आती हैं, कोई नई गाड़ियाँ निकलती हैं या कोई प्राइस अपडेट आती हैं बाइक के से रिलेटेड आती हैं प्राइस अपडेट्स, तो हम वो भी आपको साथ साथ वीडियोज़ में बताते रहते हैं।
हमारी और भी वीडियोस चेकआउट कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।